आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों बजा लेते हैं बहुत सुंदर सा पैच। अभी मैंने वीडियो बनाई थी दिल में हो तुम, और दोस्तों इस गाने के अंदर आरडी पैटर्न बजा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल पैच है। अगर आप इसको बजाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम में बजने वाला है। काफ़ी सारे गानों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके हैंड रनिंग देख लेते हैं, और अगर आपको इसका सॉन्ग वाला वीडियो चाहिए तो आप जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसकी फुल सॉन्ग के साथ बजा हुआ वीडियो दिखा दूंगा। तो आइए फटाफट से हम एडिटिंग शुरू करते हैं, उससे पहले हैंड रनिंग देख लेते हैं। दोस्तों ये इतने आराम से बज जाता है, देखो। राइट वाला चलेगा और ये वाला हमारा जो लेफ्ट वाला है वो देखो। देखो दोनों एक साथ, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहां यहां और यहां, दोस्तों यहां मैंने तीनों जगह डिले डाला हुआ है, तो परकेशन एक बार में ही वो दो दो बार बज रहे हैं, तो वो ज्यादा भर के आ रहा है देखो। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इसकी हैंड रनिंग समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा इसको डेडिकेटेड एक हैंड रनिंग बता दूंगा। तो आइए अब हम इसकी एडिटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ डिले लगाई हुई है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से आपको देखना है इस पैड में। अगर आप डिले लगाना नहीं जानते तो इस पैच में आप वो भी सीख जाएंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट लेयर में इंस्ट्रूमेंट है स्नेयर 8.0298 इंस्ट्रूमेंट है, और लेवल है 50, और बाकी पिच वगैरह वो जीरो ही रखी हुई है मैंने। तो आइए यहाँ पे चलते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर दोस्तों यहाँ पे ऑफ है और थर्ड लेयर भी ऑफ है। आइए सेकंड कॉलम में हम बात कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में फर्स्ट लेयर दोस्तों ऑफ करी हुई है, और सेकंड लेयर में देखते हैं क्या है। सेकंड लेयर में टॉम 3 इंस्ट्रूमेंट 0530 जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर, और 47 इसका मैंने वॉल्यूम किया हुआ है, और क्रॉस ट्यून इसकी जीरो है। और यहाँ थर्ड लेयर में देखते हैं दोस्तों, थर्ड लेयर दोस्तों इसकी ऑफ है। तो आइए यहाँ थर्ड कॉलम में देख लेते हैं। थर्ड कॉलम के फर्स्ट जो है हमारे लेयर में 0549 टॉम 6 इंस्ट्रूमेंट है, और 63 इसकी जो है वो वॉल्यूम है, और जीरो इसका जो है वो क्रॉस ट्यून है। तो आइए यहाँ सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड लेयर में दोस्तों फर्स्ट और यहाँ सेकंड लेयर में हम लोग देख लेते हैं। सेकंड लेयर दोस्तों इसका ऑफ किया हुआ है, और यहाँ पे थर्ड लेयर भी ऑफ है, यानी थर्ड कॉलम का सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ है। और यहाँ पे चलते हैं फोर्थ कॉलम पे दोस्तों। फोर्थ कॉलम पे ए पार्ट में 0095 बेस लगाया हुआ है, और यहाँ पे 63 इसका लेवल है, और जो है क्रॉस ट्यून वो जीरो है। आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों क्रश 7.0693 यानी 693 इंस्ट्रूमेंट है, और 50 इसका लेवल है, और पिच इसकी जीरो है। आइए यहाँ थर्ड लेयर में देखते हैं। दोस्तों थर्ड लेयर यहाँ पे हमारी खाली है, तो अभी मैं डिले का भी बताऊंगा। डिले मैं छोड़ता जा रहा हूँ, वो लास्ट में एक हम बनाएंगे उसमें डिले आपको मैं लगवा दूंगा। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में। दोस्तों फिफ्थ कॉलम के फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट लेयर में 0002 किक 1 के नाम से इंस्ट्रूमेंट लगा है, और 40 इसका वॉल्यूम है, क्रॉस ट्यून है दोस्तों इसका जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर में मिराकश लगा हुआ है 0946, और यहाँ पे 35 इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ इसका क्रॉस ट्यून भी हमारा जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लेयर में चलते हैं। थर्ड लेयर दोस्तों ऑफ है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं सिक्स्थ कॉलम में। सिक्स्थ कॉलम के फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में यानी पार्ट 1 में जो है लेयर 1 में मृदंग 12 इंस्ट्रूमेंट है,
और यहाँ पे 0146, सॉरी 1046 इंस्ट्रूमेंट मृदंग 12 के नाम से, 1064 यानी 1064, और यहाँ इसका वॉल्यूम है 46। तो यहाँ पे क्रॉस ट्यून दोस्तों इसकी हमारी -3 है। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर में कॉमको HFOP के नाम से इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर है 0801 यानी 0801, और इसका जो है वॉल्यूम है वो है 40 और क्रॉस ट्यून 0 है। तो यहाँ पे थर्ड लेयर में देख लेते हैं। थर्ड लेयर में दोस्तों मिराकश लगा हुआ है 0940 यानी 0940 इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे 35 इसका जो है वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्रॉस ट्यून दोस्तों इसकी 0 है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने क्या लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट लेयर खाली है, सेकंड लेयर में मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है दोस्तों 0778, 42 इसका जो है वो वॉल्यूम है। ब्रश HH के नाम से इंस्ट्रूमेंट है 0778, और यहाँ पे क्रॉस ट्यून 0 है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम दोस्तों बंद है, सेकंड में मैंने बता ही दिया है। थर्ड कॉलम में यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा रखा है तबला 25, 1046 यानी 1046, और वॉल्यूम है 50 और क्रॉस ट्यून है दोस्तों +3। तो यहाँ पे अब हम आते हैं एट कॉलम में। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी मुझे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ मैंने डिले लगाई है, वो कैसे लगेगी। तो यहाँ पे एट कॉलम में फर्स्ट लेयर में स्टैंडर्ड किक 1 यानी 0001 इंस्ट्रूमेंट लगा है, जिसका लेवल है हमारा 63 और क्रॉस ट्यून है 0। तो यहाँ पे सेकंड लेयर में दोस्तों बात कर लेते हैं। सेकंड लेयर में सेकर 3 इंस्ट्रूमेंट नंबर है 0987, 987 इंस्ट्रूमेंट नंबर है, और 63 जो 36 जो है इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों थर्ड लेयर में। दोस्तों थर्ड लेयर मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसमें हमने कहाँ कहाँ जो है वो एफएक्स को यानी डिले को लगाना है। एक दोस्तों यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था फर्स्ट लेयर में 0549 टॉम 6, उसमें आप जब नीचे आते रहेंगे बिल्कुल एडिटिंग में, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है रिपीट स्विच। दोस्तों रिपीट स्विच को आप ऑन कर लीजिए। ऑन करेंगे उसके बाद हम दूसरे जो हमारे को लगाना है वो लगेगा हमारा यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में, और वो फिफ्थ कॉलम में सेकंड लेयर में दोस्तों देखिए यहाँ जो मैंने लगवाया था आपसे मिराकश 0940, उसमें भी दोस्तों रिपीट स्विच को आप ऑन कर देंगे। और यहाँ पे एक मैंने लगाया हुआ है रिपीट में, ये रहा देखिए सिक्स कॉलम और थर्ड लेयर में जो मिराकश लगा हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप रिपीट स्विच को ऑन कर देंगे। अभी आपके इस पैड के अंदर जो है ये रिपीट स्विच काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें एक सेटिंग बाकी है। दोस्तों इतना करने के बाद श्योर करके पैच को आप सेव कर दीजिए। जब आप दोबारा मेन्यू में जाएंगे तो किट सेट के अंदर आप श्योर करके जाइए, नीचे ग्लोबल सेट आ रहा है वहाँ पे आप जाइए, श्योर कर दीजिए। यहाँ पे सबसे नीचे आप एरो को लेके जाइए, यहाँ पे रिपीट टाइम आ रहा होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप 16 कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप 16 करेंगे यहाँ पे आपका जो है जहाँ जहाँ हमने रिपीट स्विच ऑन किया था वहाँ पे हमारा रिपीट शुरू हो जाएगा। और फिर आप इसको बजा के देखिए, बहुत ही प्यारा आता है। देखिए इस तरीके से दोस्तों हमारे ये पैच रहता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल पे, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।